वायुसेना के अधिकारी जासूसी के लिए गिरफ्तार, 5 दिन के हिरासत में भेजा गया। दिल्ली के वायुसेना मुख्यालय में तैनात अरुण मारवाहा बल्कि काउंटर इंटेलिजेंस विंग द्वारा पूछताछ के लगभग 10 दिनों के बाद कल दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया था। एक वायुसेना अधिकारी को दिल्ली में गुरुवार को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI के लिए कथित तौर पर जासूसी करने के लिए गिरफ्तार किया गया। दिल्ली IAF मुख्यालय में तैनात अरुण मारवाहा बल्कि काउंटर इंटेलिजेंस विंग द्वारा लगभग 10 दिनों की पूछताछ के बाद कल दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया था। समाचार एजेंसी PTI ने बताया वह एक ISI अधिकारी द्वारा कथित तौर पर शहद फंड्स गया था जिसमें एक महिला होने का नाटक किया गया था। अधिकारी को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वह अपने सेल फोन के साथ वायुसेना के मुख्यालय में चल रहा था जो भवन में अनुमति नहीं है। 51 अरुण मारवाहा एक पैरा जंप प्रशिक्षक हैं। वह गरुड़ कमांडो के प्रशिक्षण के प्रभारी थे और अगले साल सेवानिवृत्त होने के कारण थे। एक वरिष्ठ वायुसेना के अधिकारी ने कुछ हफ्ते पहले बड़े पैमाने पर उल्लंघन की खोज की और आंतरिक जांच की स्थापना की। भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी पर टिप्पणी नहीं की है लेकिन सूत्रों का कहना है कि अधिकारी अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से कुछ अवांछित गतिविधियों में शामिल था। IAF की काउंटर इंटेलिजेंस शाखा के जांचकर्ता यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या अफसर अरुण मारवाहा पाकिस्तान से चल रहे एक बड़े जासूसी की अंगूठी का हिस्सा थे या नहीं। सूत्रों के मुताबिक वायुसेना के एक अधिकारी ने ISI एजेंट के साथ कुछ महीने पहले फेसबुक पर मित्रता की। दोनों ने कथित रूप से अंतरंग संदेशों का आदान प्रदान भी किया। अपने विश्वास को प्राप्त करने के बाद एजेंट ने वर्गीकृत दस्तावेजों के लिए अधिकारी से पूछा। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत सजा 7 साल तक की जेल की अवधि पर जोर देती है। दिल्ली पुलिस अब जांच को आगे बढ़ाएगी। अधिकारी को आधिकारिक गोपनीयता कानून के तहत आरोप लगाया गया है। एक सूत्र का हवाला दिया गया था। अरुण मारवाहा ने व्हाट्सएप के जरिए कथित तौर पर वर्गीकृत दस्तावेजों को लीक कर लिया था।